फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ओम क्लीम कृष्णाय नमः। सभी देवों में पहले पूजे जाने वाले श्री गणेश जी सभी दुखों को दूर करते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। प्रसन्न होने पर वो भक्तों की सभी मन्नतें पूरी कर देते हैं। अगर गणेश चतुर्थी के दिन आप कुछ उपाय करेंगे, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करेंगे, तो यकीन मानिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त अपनी इच्छा के अनुरूप कामनाओं को पूरा करने के लिए उनकी पूजा करता है, विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, या सिर्फ मंत्र जाप ही कर लेता है, तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। गणेश जी पूजा के दौरान किए जाने वाले कुछ मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी कि जो कभी भी फेल नहीं होते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इन उपायों का फल ना मिले, 100% इन उपायों का फल मिलता है। और आपने ये उपाय गणेश चतुर्थी के दिन करने हैं, बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं, बहुत जल्दी आपको फल देंगे ये उपाय। करना क्या है आपने? सबसे पहले आपने क्या करना है, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चतुर्दशी के दिन श्री गणेश जी का शुद्ध जल से अभिषेक करें, और उसके बाद आपने पाठ करने के बाद मावे के लड्डुओं का भोग लगाना है, और फिर आपने वही मावे के लड्डू थोड़े से आपने बांट देने हैं वहाँ पे भक्तों में। ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, ये ज़रूर करिए। उसके बाद आपने क्या करना है, गणेश यंत्र बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी माना जाता है, आपको किसी भी पूजा वाली दुकान से मिल जाएगा। गणेश यंत्र की अपने घर में ज़रूर स्थापना करें और इसकी विधि विधान से पूजा करें। धूप बत्ती जलाएं, जोत जलाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं, ये सारी चीज़ें करें। और इस यंत्र के घर में रहने से किसी भी तरह की बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आपने चतुर्दशी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन आपने हाथी को हरा चारा खिलाना है और गणेश मंदिर जाकर अपनी परेशानियों का निदान करने के लिए प्रार्थना करनी है। इससे आपके जीवन की सारी परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाएंगी। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आपने भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाना है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, भगवान श्री गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ और घी आपने गाय को खिला देना है। ये उपाय करने से बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि आती है, पैसों की बरकत होती है, तो ये ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गणेश चतुर्थी के दिन। पीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा में श्री गणेश को हल्दी की 5 गांठ इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ानी चाहिए, श्री गणाधिपते नमः, श्री गणाधिपते नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपने वो 5 हल्दी की जो गांठें होती हैं वो आपने चढ़ानी है। इसके बाद आपने 108 दूरवा पर गीली हल्दी लगाकर वो भी आपने भगवान श्री गणेश को चढ़ानी है, और श्री गजवक्तम नमो नमः, श्री गजवक्त्रम नमो नमः का जाप करके चढ़ाना है। ये उपाय आपने लगातार 10 दिन करना है। इसको करने से आपकी जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती है तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको प्रमोशन नहीं हो रहा है आपका जॉब में तो आपका प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी। बहुत बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है ये। अगर किसी लड़के के विवाह में परेशानी आ रही है तो गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं, इससे क्या होगा, विवाह के योग बनेंगे। अगर किसी लड़की के विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपने क्या करना है, गणेश चतुर्थी पर भगवान से आपने विवाह की कामना करते हुए मालपुए का भोग लगाना है, इससे क्या होगा, बहुत जल्दी आपके विवाह के योग बनेंगे, बहुत जल्दी आपके लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। गणेश चतुर्थी को दूर्वा के गणेश बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए, मोदक, गुड़, फल, मावा, मिष्ठान, इन चीज़ों का अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखें, शाम को घर में गणपति अर्थवर्षिश का पाठ करें, इसके बाद भगवान श्री गणेश को तिल से बने लड्डुओं का भोग लगाएं, इसी प्रसाद से अपना व्रत खोलें और भगवान श्री गणेश से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। सारी मनोकामनाएं भगवान श्री गणेश पूरी करेंगे।
तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें, विधि विधान से पूजा अर्चना करें, ये उपाय जो मैंने बताए हैं ये ज़रूर करें, ये चीज़ें उनको ज़रूर अर्पण करें। भगवान श्री गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, बहुत जल्दी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि सच्चे मन से भगवान की पूजा की जाए, ये सारी चीज़ें उनको अर्पण की जाए, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा होता है, सच्चे मन से पूजा करेंगे और जो चीज़ें भगवान को प्रसन्न करती हैं वो चीज़ें उनको अर्पण करेंगे, अपनी मनोकामनाएं उनको बताएंगे, तो कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से रोक सके, क्योंकि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी, सारे विघ्न भगवान श्री गणेश दूर कर देंगे, तो ये ज़रूर करिए। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।